केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं चेतना सातकेड़ आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा का कार्यकाल 2 मई को समाप्त होगा। पुलवामा शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर राजस्थान में रन, बीजेपी के प्रदर्शन पर पुलिस का लाठीचार्ज। अंग्रेजों ने भी स्वतंत्र सेनानियों को कष्ट दिया लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे, सिसोदिया का जेल से संदेश। चिराग दिल्ली फ्लाईओवर अगले 50 दिनों के लिए सोमवार से हो जाएगा बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, 3 कंटेनर टकराकर बने आग का गोला, 2 लोगों के जलने से मौत। कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी ने कहा कि विवेकानंद हत्या मामले में सीबीआई मुझे परेशान कर रही है, कडप्पा सांसद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को बताया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाला में 4 को रिमांड पर भेजा गया। सानिया मिर्जा की सफलता उनके पिता की कड़ी मेहनत का नतीजा है। मोदी सरकार सीएम केसीआर उनके परिवार को निशाना बना रही है, ईडी द्वारा के कविता से पूछताछ के आगे ओआईसी। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल वाली दुर्लभ आकाशगंगा मिली, इसमें समा जाए 1,000 करोड़ सूरज। उमेश पाल हत्याकांड, आतिक अहमद के शूटर अब्दुल कवि पर 50,000 की इनाम घोषित। फरीदाबाद सेक्टर 10 के एक बैंकेट हॉल में लगी भीषण आग। यूपी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का 13 मार्च को आंदोलन। पश्चिम बंगाल कोलकाता में अवैध रूप से रह रहे थे 4 बांग्लादेशी नागरिक, साल्ट लेक से गिरफ्तार। सत्य का रास्ता भूल गई है बीजेपी, बुलडोजर के रास्ते पर सरकार, गुजरात में गरजे अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश धार में भीषण हादसा, ट्रक में लगी आग से जलकर 2 लोगों की मौत। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।